नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इसमें ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, इसमें आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी और भरणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शुक्रवार सिद्धि नाम का शुभ योग रात्रि के 9:39 रहेगा, उसके उपरांत व्याति पात नाम के योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 10:46 से लेकर दोपहर के 12:11 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार कर जाएंगे। दोस्तों, किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की ओर मत देखिए, हो सकता है कि उसकी झुकी हुई आंखें देखकर आप में गुरूर आ जाए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का कभी नहीं। दोस्तों, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं किसी का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, आदमी को मछली देंगे तो आप उसका एक दिन के लिए पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर आदमी को मछली पकड़ना सिखा दीजिएगा तो आप जीवन भर उसका पेट भर देंगे। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। दोस्तों, हम सभी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई किसी न किसी की मदद जरूर कर सकता है। तो चलिए, इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष समय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों, यह समय आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, अपनी फिजूल खर्ची पर आपको इसमें अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों, किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों, परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, यश में आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों, यश में बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों, विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, परंतु आलस व फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों, यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों, यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों, अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों, यश में योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों, इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में
आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त इसमें लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह समय इमोशनल होने के बजाय चतुरायु या फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन इसमें प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य इसमें मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत इसमें आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि रुपये पैसे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें। आपकी कोई योजना इसमें गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों इसमें उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना इसमें आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और इसमें आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। तो अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है इसमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी इसमें सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको इसमें कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। दोस्तों सीनियर्स लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों इसमें आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थितियाँ इसमें बेहतर भी रहेंगी। कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ तो आएंगी पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा। नई प्रॉपर्टी और नए लोगों से व्यवहार करते समय आपको इसमें सचेत रहना चाहिए। दोस्तों शादी कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी इसमें आपको नजर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। ये संबंध आपकी तरक्की फायदेमंद साबित कराने वाले हैं। दोस्तों मशीनरी स्टाफ आदि से जुड़े छोटी मोटी परेशानियां उठ सकती है, उन पर काम करना परेशानियों से निकाल देगा। तो दोस्तों इसमें जरूर उन पर काम करें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे आपको बता दें कि व्यापार व फिर काम काज को लेकर कोई नई दिक्कत यात्रा आपके उत्तम भविष्य का रास्ता खोल देगी, इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे, साथ ही पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इसमें घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। उनकी सलाह आपके लिए इसमें लाभदायक साबित होंगी।
और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दोस्तों आपकी जब भी सूझबूझ रहेगी तो इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों में विजय भी हासिल करेंगे। इसलिए दोस्तों यश में आप अपने वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कठोरता से ना बोलें। प्रेम संबंधों में भी आप यश में समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, तो दोस्तों इन पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ सुस्ती और आलस भी आपके ऊपर हावी रहेगी। यश में आपको वाहन भी सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए, चोट आदि लगने की संभावना भी यश में बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में बुरी आदतों तथा बुरी संगत से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी टेंशन भी आपको यश में रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।